हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग घर पर सेफ हैं, आप सब लोग खुश हैं। मैं आपकी एडुकेटर शीना करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में, इस नए सेशन में आज हम बात करने वाले हैं द टॉपिक वर्ब, राइट। वर्ब जो ये टॉपिक है, अगर मैं बात करूं जेके बैंक एग्जाम्स की, चाहे वो पीओ का हो या फिर बैंकिंग एसोसिएट का हो, वर्ब टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे स्पॉट द एरर में से। आपने पेपर अगर दिया है पहले, या फिर आप IBPS के एग्जाम्स दे रहे हैं, SSC के एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपने ये क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन में ज़रूर देखा होगा, स्पॉट द एरर, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने और उसमें से आपको एरर स्पॉट करना होता है। आपको बताना होता है कि सेंटेंस के किस हिस्से में एक्चुअली गलती है। अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर होता है नो एरर, ठीक है। ये ऑप्शन आपको हमेशा दिखेगा वहाँ पर, नो एरर का ऑप्शन, कि कोई गलती नहीं है, ठीक है। वर्ब के बारे में हम जितना पढ़े उतना कम है, राइट। लेकिन आपको याद रखना है, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस इज मस्ट, राइट। आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत लिमिटेड होता है और उसी टाइम फ्रेम में आपको ये जानना होता है कि एरर है कि नहीं। आपको मार्क्स सिक्योर करने होते हैं और सिलेक्शन लेना होता है, राइट। तो हम बात करेंगे आज स्पॉट द एरर। सबसे पहले, जैसे मैं हर बार आपको कहती हूँ, क्वेश्चन आप प्लीज ध्यान से पढ़िए। आप 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम लेकर क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्पॉट द एरर। आप समझ गए स्पॉट करना है, एरर गलती कहाँ है, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अवॉइड पंक्चुएशन एरर्स। क्या मतलब होता है पंक्चुएशन एरर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, हाइफन। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि अरे फुल स्टॉप तो है ही नहीं, तो ये तो एरर है, बट नहीं, एग्जामिनर उस तरह के एरर आपको नहीं पूछता, इसलिए ये क्लियरली कभी मेंशन होता है, कभी मेंशन नहीं होता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कॉमा फुल स्टॉप ना लगाया हो तो वो कोई एरर नहीं है आपके हिसाब से, आपको उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अब आपको देखना है कि स्पॉट द एरर में गलती किस किस तरह से एग्जामिनर आपको दे सकता है। आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर आप 2 मिनट भी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे चैप्टर्स किए हैं, इसमें आप कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, आप इनके बेसिस पर ही कोई ग्रामेटिकल एरर दे सकते सेंटेंस पे, ताकि आपका सेंटेंस गलत हो कहीं ना कहीं, और जो एस्पिरेंट है, जो पेपर दे रहा है, वो एरर ढूंढ के निकाल ले। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस किस तरह से एरर एग्जामिनर आपको दे सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, या तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोटबुक पे ये सारे क्वेश्चंस लिख डालिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसका आंसर्स मुझे जो है वो बता सकते हैं। इसको पॉज कीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सारे क्वेश्चंस आराम से पढ़िए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप 1, 2, 3, 4 करके इसके आंसर्स बताइए कि क्या आंसर्स आपके हिसाब से हो सकते हैं, एरर कहाँ पर होते हैं, ठीक है। मैं थोड़े टाइम के लिए साइड हो जाती हूँ, आप कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा, और इसके आंसर्स भी मैं चेक करने वाली हूँ कितने स्टूडेंट्स ने राइट दिए हैं और किन्होंने रॉन्ग दिए हैं, ठीक है। तो बात करेंगे पहले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस स्टार्ट होता है ही वॉज सो इनक्यूजिटिव, ठीक है। स्पॉट द एरर के लिए आपको सेंटेंसेस का मीनिंग, सेंटेंसेस में जो टफ वर्ड यूज हुए हैं उनका मीनिंग जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप एरर कैसे निकालेंगे, राइट। He was so inquisitive. Inquisitive का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं, अगर आपका नेचर है कि आप बहुत सारे questions पूछते हैं, हर चीज के बारे में question करते हैं, अरे वो कैसे, अरे ये कैसे, तो आप कैसे नेचर के होते हैं, आप inquisitive होते हैं, ठीक है। Inquisitive जो बहुत सारे questions पूछते हैं, जिनके जो मन में काफी इस तरह के questions उभरते हैं, वो inquisitive होते हैं। तो किसकी बात कर रहा है, He was so inquisitive that he rose many questions in the class, ठीक है, या फिर नो एरर। इस सेंटेंस में या तो एरर है या तो नहीं है। अगर मैं देखूं ही वॉज सो इनक्यूजिटिव, ये ठीक है, दैट ही रोज। अब एक नया वर्ड आपके लिए यूज हुआ है, दैट इज रोज। क्या मतलब होता है रोज सेंटेंस का, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, ठीक है, गुलाब वाला रोज नहीं है, ये रोज
आता है रेज से, ठीक है। अगर मैं बोलूं रेज क्या होता है, उठाना, ठीक है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं जैसे, या फिर आप रेज करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो वर्ड है रोज, ये रोज आया है राइज से, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये वो वाला राइज है, जागने वाला राइज है। तो यहां पर जागने वाला तो नहीं है, यहां पर जागने वाला मीनिंग तो नहीं बन रहा इसमें। तो क्या बन रहा है कि वो इतने क्वेश्चंस पूछता था, इतना इंक्यूजिटिव था कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगा क्लास में। तो रोज तो जागने से हो गया, राइज का है रोज पास्ट टेंस, तो आप राइज यहां यूज नहीं करेंगे, रोज नहीं करेंगे यूज। तो गलती यहीं पर छुपी है, यहां पर रोज नहीं आएगा तो क्या यूज होगा? He was so inquisitive that he raised. क्या है इसका राइट फॉर्म, क्या यूज होगा? That he raised. यहां पर वर्ड raised होना चाहिए, that he raised many questions in the class. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में गलती थी। आंसर आपका हो जाएगा सिंपल बी। नेक्स्ट पे फोकस करते हैं, ही वॉज बॉर्न, ठीक है। पहला वर्ड आप देख रहे हैं थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा अलग, बी ओ आर एन ई, ये कौन सा बॉर्न है भाई? हमने तो बी ओ आर एन सुना था, ठीक है। जब क्या होता है, बॉर्न किसको बोलते हैं? जब आप पैदा होते हैं, तो आई वॉज बॉर्न इन दिस ईयर, ठीक है। तो बॉर्न से आया वॉट, बर्थ से बॉर्न, ठीक है, बर्थ होता है आपका तो आप बॉर्न करते हैं। बट ये लास्ट में जो ई है, ये कौन सा बॉर्न है? ये देखो, सेकेंड सेंटेंस में जो मैंने यूज किया है वर्ड बॉर्न, जैसे आपने सुना होगा वाटर बॉर्न डिजीजेस, कॉलरा इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू कहते हैं जिसको होता है, तो वो कैसे, वो एयर बॉर्न डिजीज होता है आपको, ठीक है। जब व्हेन यू फील कोल्ड, तो आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो एयर बॉर्न डिजीज होता है। उसमें ये वाला बॉर्न यूज होता है, बी ओ आर एन वाला यूज नहीं होता। तो ये बॉर्न का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब है कि जब वाटर बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न, जहां से वो आई हैं, ठीक है। दूसरा ये है द वर्ड बेयर, इस बेयर के भी बहुत सारे मतलब हैं, बट हम इसके अभी एक मतलब पे फोकस करेंगे, जिसका मतलब होता है टॉलरेट करना, ठीक है, बेयर करना किसी को, किसी की बकबक को बेयर करना, ठीक है। आई कांट बेयर मोर ऑफ दिस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, टॉलरेट। उसका भी जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब थर्ड फॉर्म है, दैट इज बॉर्न, ठीक है। तो यहां पर ये बॉर्न नहीं आएगा, यहां पर बी ओ आर एन वाला बॉर्न है। तो गलती कहां छुपी थी? ए में, सेकेंड सेंटेंस में, ए पार्ट में गलती थी। थर्ड पे फोकस करते हैं, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज रेस। आई कंप्लेंट, ये वर्ड है कंप्लेंट, ये कौन सा कंप्लेंट है? ये कंप्लेंट होता है शिकायत, और ये एक नाउन है। जब आप किसी की शिकायत करते हैं, तो यू कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, बट ये वाला जो कंप्लेंट है, ये नाउन है, मतलब जब आप शिकायत, शिकायत को कहते हैं इंग्लिश में कंप्लेंट। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर वर्ब आएगा, मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की, आपने जब की तो वो एक वर्ब आएगा। तो थर्ड जो सेंटेंस है, उसमें राइट स्पेलिंग है कंप्लेंट, ठीक है, ये वाला कंप्लेंट यूज नहीं करेंगे। तो गलती यहां छुपी है, ए पार्ट में गलती है। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की, क्योंकि मेरे वार्निंग्स के बाद भी उसने अपने तरीके नहीं बदले। मेंड का मतलब होता है बदलना या फिर ठीक करना, मेंड योर वेज कहते हैं, मेंड योर वेज, अपने तरीके बदल डालो, समझ गए आप? कंप्लेंट नहीं है ये, कंप्लेंट एक नाउन है, यहां पर एक वर्ब यूज करना है, और उसके स्पेलिंग ये है, ये गलत है, ये एक नाउन है, कंप्लेंट, शिकायत जिसको बोलते हैं, शिकायत ये है, शिकायत करना वो है कंप्लेंट, ठीक है। चलो, इसके बाद जो सेंटेंस है वो आपके लिए एक लेसन है, ठीक है, आपके लिए एक लेसन है, आपके लिए एक अच्छी स्टोरी है, आपके लिए एक मॉरल है। फेलियर मस्ट नेवर, must not have permanent effect on a person because only the tough survive,
ठीक है, फेलियर का कोई असर नहीं होना चाहिए आप पर। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो टफ लोग होते हैं, जिनके पास हौसला होता है, सिर्फ वही सरवाइव कर पाते हैं इस दुनिया में। जैसे आपने डार्विन की स्टोरी सुनी होगी, डार्विन की स्टोरी सुनी है आपने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला है डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन, एंड व्हाट ही सेड, ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। ठीक है, तो फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, ठीक है, ये क्या है? अफेक्ट। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा और वो वर्ड लिखा जाता है इफ, एफ एफ ई सी टी, ये वाला अफेक्ट। अब आपको देखना है ये अफेक्ट ठीक है कि ये अफेक्ट ठीक है, राइट? ये जो ए से अफेक्ट स्टार्ट होता है, ये एक वर्ब होता है, एक क्रिया होती है, ठीक है, अफेक्ट करना। ठीक है, योर वर्ड्स अफेक्टेड मी, जैसे हम बोलते हैं आपके भाषण का, आपके लेक्चर का मुझ पे बहुत असर हुआ। असर होना होता है अफेक्ट, बट अगर सिर्फ असर की बात की जाए वो है इफेक्ट। ठीक है, योर वर्ड्स हैव नो इफेक्ट ऑन मी, वहां पर ये यूज होगा, आपकी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ, हैव नो इफेक्ट ऑन मी, बट योर वर्ड्स अफेक्टेड मी, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो अफेक्ट आएगा। बट यहां पर है फेलियर का कोई असर। अब आपको मीनिंग समझना जरूरी है, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मीनिंग जब आप तक नहीं समझेंगे तो स्पॉट द एरर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मीनिंग साथ में कॉम्प्रिहेंड करके दे रही हूं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाएंगे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे सो दैट आपकी सिलेक्शन गारंटी हो जाए। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। अब आप समझ गए यहाँ पर असर की बात हो रही है, और असर तो ये है, वाई? बिकॉज ये एक नाउन है और ये एक वर्ब है, ये आपको क्लियरली समझना है कि यहाँ पर गलती है सेंटेंस के बी पार्ट में, गलती है, परमानेंट इफेक्ट राइट है, ये वाला गलत है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं। लास्ट सेंटेंस है, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 8 PM। आपको पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है, 2 सेकंड लगते हैं पूरा सेंटेंस पढ़ने में, आराम से पढ़ लीजिए पूरा सेंटेंस, ठीक है, और फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप पहला लेंगे, अरे इधर तो नहीं गलती है, यहाँ तो नहीं गलती है, वैसे प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए फटाफट से पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए, एक आइडिया लीजिए, फिर गलती ढूंढिए। If I leave now, अगर मैं अभी लीव करता हूँ, करती हूँ, तो मैं 8 बजे से पहले वापस नहीं आ जाती, आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, whatever it is, ठीक है। तो return back, अगर आपने देखा होगा कि return back का क्या मतलब है, वापस आना, वो तो return है, तो ये back क्यों लगाया, इस back का तो कोई काम नहीं है, तो फिर क्यों use हुआ, मतलब गलती भी यहीं छुपी है। रिटर्न बैक नहीं होता, सिर्फ रिटर्न होता है, क्योंकि रिटर्न और बैक दोनों का ही एक मतलब होता है। आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इनको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस मतलब जो एक ही चीज को एक से ज्यादा वर्ड्स में आप यूज करते हैं जो जरूरत नहीं होते। जैसे अगर आप स्कूल टाइम में, आपको याद होगा आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, प्लेज होता है, कई स्कूल्स में होता है, उसके बाद थॉट सुनाया जाता है, थॉट ऑफ द डे। अब जो थॉट ऑफ द डे बोलता था या बोलती थी स्कूल में, एक बार थॉट बोल के उसको रिपीट करते थे, और क्या बोलते थे? आई विल रिपीट माई थॉट अगेन, ये बोलते थे, बट अगेन गलत है, तो सही क्या है? आई विल रिपीट माई थॉट, रिपीट का मतलब ही है दोबारा कहना, तो रिपीट अगेन सुपरफ्लुअस हुआ, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो गलती है, बैक नहीं आना चाहिए, सिर्फ रिटर्न, ठीक है, ये है रिटर्न, बैक नहीं, रिटर्न। जैसे एक और है, आई एम एब्सोल्युटली सर्टन अबाउट इट, ये भी गलत है। एब्सोल्युटली भी और सर्टन भी, सर्टन का तो मतलब ही होता है कि पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पता है, तो एब्सोल्युटली सर्टन गलत है, ओनली सर्टन, आई एम सर्टन अबाउट इट, राइट, ये आपको जानना है, और एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करता है, राइट? तो अगर आपको पता है कि अब गलती कहाँ है, सी पार्ट में गलती है, रिटर्न बैक नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और आंसर ज़रूर दीजिए, राइट? अगर आपको लगता है ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है, तो इस वीडियो को
ज़रूर शेयर कीजिए, और आपके फ्रेंड्स, आपके कजिन्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए। लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन, ये नंबर अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं करियर सक्सेस के फॉर जेके बैंक पीओ, बैंकिंग एसोसिएट, जेके एसएसबी क्लास 4 एज वेल एज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। जस्ट फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कॉल ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। आई शिल मीट यू वेरी वेरी सून अगेन। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।